आज ऑल्टो 800 में हम लोग लगाने जा रहे हैं ऑयल फिल्टर। तो पहले तो गाड़ी को उठाना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा कुछ जॉग नहीं था, इसलिए एक ईंटा से सिस्टम कर रहा हूँ। थोड़ा देखिए कैसे उठाया जा सकता है, थोड़ा रिस्की है, थोड़ा संभाल के करने से हो जाएगा। ये करने के टाइम ध्यान रखिएगा, हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए, और अगर होता है तो सामने वाला चक्का में कुछ ईंटा वगैरह डाल के रखिएगा। वो लगभग होने ही जा रहा है, दूसरा ईंटा डाल के जो उठा रहे कि चक्के के नीचे और एक ईंटा दे पाए, जितना हाइट होगा घुस के काम करने में सही रहेगा। देखिए और एक ईंटा डाल दिए हैं, फिर डाउन कर देंगे और सपोर्ट के लिए पीछे में थोड़ा 2-3 लेग लगा देंगे। लगभग काम खत्म हो गया। अभी चलते हैं गाड़ी के नीचे, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। देखिए पहले वो एक क्लिप टाइप का रहते हैं, पाइप खोल लीजिएगा, लेकिन मेरा जैसा गलती मत करिए। मैंने एक गलती कर दी है कि दोनों एक साइड का पाइप पहले ही पूरा खोल दिया था, मुझे मालूम नहीं था कि पाइप खोल देने पे पेट्रोल गिरता रहेगा। तो आप लोग अभी करिएगा, दो बाजू का पाइप पहले थोड़ा खोल के ढीला कर लीजिएगा, पूरा निकाल लीजिएगा नहीं, ढीला करने के बाद ही ये करिएगा। आपको वीडियो में दिखेगा मेरा कितना पेट्रोल वेस्ट हुआ। एक आप चाहे तो क्लैम भी खोल पूरा बदल सकते, मैं क्लैम नहीं खोल रहा हूँ, बस वो रिंग से फिल्टर को अलग कर देंगे। ये पाइप बहुत टाइट था मेरा, बहुत, मैंने गाड़ी के नीचे अंडर कोटिंग किया था, हो सकता है उसके लिए टाइट हो गया था, खुलने में मेरा तो हालत बिगड़ गया, हम सोचा नहीं था इतना टाइट होगा। बहुत कोशिश किया, पेचकस वगैरह लगा के खोल तो दिए थे, लेकिन आपको अभी दिखेगा जो पेट्रोल गिरता जाएगा मेरा। ये आपका नया फिल्टर है, नया फिल्टर तो लगा दिया, लेकिन तब भी ये पीछे से आपका तेल गिरने चालू हो गया।
इतना तेल गिर रहा था, लास्ट में मैं मेरा वाइफ को बुलाया पकड़ने के लिए। बस वाइफ तो लग गया है, बस उसको जो क्लैम में था वही क्लैम में फिर से फिक्स कर देना है। कोशिश जारी है। पहले जैसा था वो फिर से क्लैम वगैरह सब कुछ लगा देना है। काम और ज़्यादा बाकी नहीं है, इसके बाद बस पावर ऑन करना है, इंजन स्टार्ट करके देखना है लीकेज कहीं से हो रहा है कि नहीं। चलिए इसको टाइट कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं गाड़ी पे। अब मैं नया नया यूट्यूब में आया हूँ, नया नया वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो मेरा बात समझने में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कैसे क्या यूट्यूब एडिट करना पड़ता है, वीडियो कैसे क्या करना पड़ता है। जितना पॉसिबल है उतना ही कर रहा हूँ। और ये मैक्सिमम काम मैं अकेला ही किया, इसकी वजह से कैमरा पकड़ने के लिए भी कोई नहीं था, बस स्टैंड में बिठा के छोड़ दिया था। और ये आपका फिल्टर हम मंगाया था बुडमो से, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। बुडमो से तो एकदम ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स आता है। अच्छा आ गया हम केबिन के अंदर। चाबी को दो तीन बार ऑफ ऑन करेंगे, इससे क्या होगा पंप चालू होगा तो पाइप में से आपका फ्यूल सर्कुलेशन हो जाएगा। फ्यूल सर्कुलेशन हो जाने के बाद स्टार्ट कर देंगे और स्टार्ट करके चला जाएंगे गाड़ी के नीचे। एक बार देखना है फिल्टर से कहीं जगह से लीकेज हो रहा है कि नहीं, पेट्रोल ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, वो भी एक बार चेक करना। मेरा तो नहीं हुआ था, मेरा हिसाब से आप लोगों को भी होगा नहीं अगर पाइप ना टूटा होगा। वो थोड़ा ध्यान से रखना है कि पेचकस वगैरह लगाने के टाइम पाइप फट नहीं है। मेरा तो सब कुछ हो गया था, गाड़ी को उतार देना है वो सब ईटा से, जैसे उठाया था ऐसे ही उतारेंगे। तो चलिए वो रिवर्स प्रोसेस करके उतार देना है गाड़ी को, उसके बाद काम ख़त्म।